भारतीय स्वतंत्रता की बलिवेदी पर जिन सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान किया उनमें सरदार भगत सिंह का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है। सरदार भगत सिंह का जन्म लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है, में 27 सितंबर सन 1907 में हुआ था। उनकी माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम किशन सिंह था। इनकी बड़ी बहन का नाम अमरो था। माँ विद्यावती ने उनका लालन पालन बहुत ही प्यार दुलार से किया। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत इनके परिवार के वातावरण ने बालक भगत सिंह पर अमिट छाप डाल। आइए उनके बचपन का एक छोटा सा किस्सा आपसे साझा करते हैं। एक बार उनके पिता सरदार किशन सिंह उन्हें लेकर अपने मित्र श्री नंद किशोर मेहता के पास उनके खेत पर गए। दोनों मित्र काफी दिनों बाद मिले थे तो बातों में लग गए और बालक भगत सिंह अपने खेल में लग गए। नंद किशोर मेहता का ध्यान भगत सिंह के खेल की ओर आकर्षित हुआ। भगत सिंह मिट्टी के ढेरों पर छोटे छोटे तिनके लगा रहे थे। उनके इस कार्य को देखकर नंद किशोर मेहता बड़े स्नेह के साथ बालक भगत सिंह से बातें करने लगे। श्री नंद किशोर मेहता ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने उत्तर दिया, भगत सिंह। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भगत सिंह है। तुम क्या कर रहे हो? मैं इससे क्या करोगे? तुम्हारा धर्म क्या है? श्री नंद किशोर मेहता राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे। उन्होंने बालक भगत सिंह को बड़े स्नेह पूर्वक अपनी गोदी में उठा लिया। मेहता जी भगत सिंह की बातों से अत्यधिक प्रभावित हुए और सरदार किशन सिंह से बोले, भाई तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम्हारे घर में ऐसे होनहार और वीर बालक ने जन्म लिया है। मेरा इसे हार्दिक आशीर्वाद, ये बालक संसार में तुम्हारा नाम रोशन करेगा, देशभक्तों में इसका नाम अमर होगा। वास्तव में समय आने पर मेहता जी की ये